हाय फ्रेंड, तो आज इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। तो ये पूरा फुल कोर्स है इंट्राडे का, तो पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा देख के थोड़ा स्किप करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। अगर अभी आपका टाइम नहीं है तो इसको वॉच लिस्ट में डाल के रखिए, जब टाइम मिलेगा तो पूरा देखिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं इंट्राडे का फुल वीडियो लाया हूँ ये, ठीक है। तो इंट्राडे क्या है? इंट्राडे जो ट्रेड, जो स्टॉक आज बाई किए हो, आज ही सेल कर दिए हो, वही इंट्राडे होता है। उसको डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो इंट्राडे का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है इंट्राडे में मार्जिन मिलता है और डेली एक अर्निंग आता है। मतलब आपको तो जो खाली जो आप बाई किए उसको तो आज ही सेल करना ही है। अगर आप सेल नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर सेल कर देगा, तो उसके लिए भी चार्ज भी करेगा, वो थोड़ा कुछ चार्ज करता है। तो इसलिए डेली अर्निंग का एक अर्निंग हो सकता है। और ओवरनाइट कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे। मतलब अगर देखिए अदानी ग्रुप के साथ क्या हुआ, आज स्टॉक आप अगर स्विंग या पोजीशन में लेके जाओ कोई स्टॉक, अगर नाइट में कुछ बुरा न्यूज़ आ जाता है तो सुबह में वो पूरा लोअर सर्किट में खुलता है, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वो ओवरनाइट का कोई रिस्क नहीं रहता है। तो मार्जिन क्या है? मार्जिन देखिए, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, तो आपको समझ में। देखिए मार्जिन क्या है, पहले देखिए HDFC लाइफ ये शेयर अभी भाव क्या है, 698। मेरे जो कर्सर है वहाँ पे देखिए 698। अगर आप लोग यहाँ के बाई करोगे तो इसका देखिए कितना में बाई कर, कितना 6, एक शेयर का भाव है 698। लेकिन अगर आप इसको इंट्राडे में बाई करते हो तो देखिए इंट्राडे सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे भाव कितना आया, 111.68, इतना कम हो जाता है, ठीक है। तो यही इसका फायदा है, आपको यहाँ पे मार्जिन मिलता है। आपको 700 का स्टॉक आपको मिल रहा है क्या, 111 में मिल रहा है, ठीक है, ये मार्जिन है, मार्जिन का फायदा मिलता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज एक ही है यहाँ पे, हाई रिस्क है। मतलब देखिए कोई अगर आप रिलायंस खरीदे हो, आज नीचे चला गया, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते थे तो क्या होता, वो एक दिन तो बढ़ी जाएगा, तो ऐसा सोच के अब हम लोग रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो उसका ऑप्शन ही नहीं है, आपको बेचना ही बेचना है। तो ये डिसएडवांटेज से भी हम लोग बच सकते हैं। वो कैसे? अगर आप हर ट्रेड में स्टॉप लॉस यूज करोगे तो आपका बिग लॉस नहीं होगा, आप बच गए वहाँ से। अगर आपके पास एक गुड सेटअप, मतलब आप ये जो डिसएडवांटेज है इससे आप बच सकते हो, ये चार पॉइंट आप अगर ध्यान में रखिएगा। स्टॉप लॉस मस्ट देना ही है आपका, और आपके पास एक गुड सेटअप होना चाहिए, एक गुड स्ट्रेटजी होना चाहिए, आपका इमोशन से के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, आप फुल डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके फुल डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना है आपको, ठीक है। सबसे मेन चीज़ जो है, यही लोग इसके सबसे फोकस इस चीज़ में ही करना है, पोजिशन साइजिंग में। लेकिन इसमें कोई फोकस नहीं करता है, बहुत लोग को ये पता ही नहीं है पोजिशन साइजिंग क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा मायने रखते हैं ये पोजिशन साइजिंग अगर आप ध्यान में रख के कीजिएगा तो आपका रिक्स और रिवॉर्ड का जो रेशियो है ना, वो आपका बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। आपका पोजीशन साइजिंग के ऊपर, मैं देखिए पोजीशन साइजिंग के ऊपर पूरा डिटेल्स दिया हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ कैसे पोजीशन, मतलब कितना शेयर आपको बाई करना है। आपका जो करना है, पहले आपका हर ट्रेड में आप कितना लॉस ले सकते हो, जिस लॉस लेके आप अगर 5 भी स्टॉप लॉस हो जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लॉस आपको सोचना चाहिए। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं यहाँ पे एग्जांपल के तरफ पे देखिए आपका स्टॉप लॉस जो 500 रख रहा हूँ, आपका लॉस पर ट्रेड आपका लॉस 500 होगा, ठीक है। अभी पोजीशन कितना क्वांटिटी आपको बाई करना है वो कैसे डिसाइड करना है, तो आप यहाँ पे देखिए टोटल उसके बाद आपका 500 का लॉस पर ट्रेड में होगा। तो इसके बाद आप SL ढूंढिए, SL कहाँ पर लगाना है, आपका जो टोटल लॉस है और आपका जो SL है वो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही आपका पोजीशन साइजिंग है। तो कैसे, देखिए एग्जांपल, देखिए अभी देखिए HDFC लाइफ चल रहा है 699 में, 699 उसका करंट प्राइस है, तो आपका स्टॉप लॉस लगा है कहाँ पे, 697। तो
तो आपका स्टॉप लॉस 697 पे है, मतलब कितना रुपए का, 2 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका। तो टोटल लॉस कितना है 500 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका कितना आ गया 250 शेयर। मतलब आपको 250 शेयर ही बाई करना है, उससे ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तो आपका क्या है आपका रेशियो सही रहेगा, नहीं तो आपका क्या आपका पोजिशन साइज अगर गलत हो जाता है तो आपका ये लॉस भी गलत हो जाएगा, प्रॉफिट भी इधर से उल्टा पुल्टा होगा, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो पोजिशन साइजिंग एक की ऑफ सक्सेस है स्टॉक मार्केट का। अगर पोजिशन साइजिंग आप अगर ध्यान में नहीं रखिएगा, बाई करना इस आपका सेटअप में आ गया, वो कुछ भी बाई कर रहे हो 250-500 जो भी है पैसा है तो बाई कर लिया, ऐसे करने से आपका कभी भी आप पैसा का पैसा नहीं देख पाओगे, लाभ का प्रॉफिट नहीं आएगा कभी भी। आपको प्रॉफिट करना है तो एक डिसिप्लिन एक रूल के हिसाब से ही आपको जाना पड़ेगा। ये पोजिशन साइजिंग एक मतलब एक गोल एक की है, ये अगर ठीक से कर पाओगे आप हर ट्रेड के समय आपको पोजिशन साइजिंग आपको कर लेना है। कैसे करना है यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही आपको पोजिशन साइजिंग कर लेना है, उसके बाद स्ट्रेटजी आएगा। आप जब भी शेयर में एंट्री करोगे तो आपका पोजिशन साइजिंग कितना शेयर बाई कर सकते हो आप, तो वो आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या है आपका, हम स्टॉक ढूंढने के का charting.com बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ से जाके हम स्टॉक ढूंढ इंट्राडे के लिए स्टॉक ढूंढेंगे और ट्रेड करेंगे। इंट्राडे ट्रेड के लिए सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक में ही हम लोग ट्रेड करेंगे, और स्टॉक का प्राइस जिस स्टॉक का प्राइस 400 के ऊपर है उस वो स्टॉक हम लोग लेंगे ट्रेडिंग के लिए। क्यों, देखिए ऑलरेडी हम लोग तो इंट्राडे कर रहे हैं, ये 400 का स्टॉक तो मुझे 60-80 रुपये के अंदर ही मिल जाएगा, तो मुझे छोटा स्टॉक लेके क्या फ़ायदा। अगर आप 400 के ऊपर स्टॉक में ट्रेड करोगे, अगर ये 0.5 भी बढ़ जाएगा ना, तो भी आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसीलिए आप 400 के ऊपर ही स्टॉक बाई कीजिए। मैंने अभी आपको दिखाया ना, जो देखिए यहाँ पे HDFC लाइफ का 700 चल रहा है अभी। देखिए जब मैंने इंट्राडे में बाई कर रहा था, 111 में मैं बाई कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप स्टॉक प्राइस वही चूज कीजिए जो 400 के ऊपर है इंट्राडे के लिए, ठीक है। अगर छोटा स्टॉक लोगे ना, उसका मूवमेंट आता नहीं है, तो इंट्राडे में मुझे फ़ायदा ही नहीं होगा। और 5 मिनट का कैंडल हम लोग यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी क्या है वो हम ढूंढेंगे अभी, ठीक है। तो इतना टाइम से मैंने जो बोला है, तो दो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, बाकी चीज़ आप अवॉइड कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो पोजिशन साइजिंग है इसको प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा, हर ट्रेड करने के समय आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल है, आपका जो टोटल लॉस है, देखिए मेरा लॉस क्या है, 500 का लॉस है, मैं पार ट्रेड 500 से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, ठीक है। तो 500 मेरा लॉस है, तो उसके बाद जब मैं ट्रेड एंट्री करूँगा, मुझे तो पता है अगर इसके ऊपर जाएगा तो मुझे एंट्री है, तो मेरा स्टॉप लॉस भी पता होना चाहिए, जो स्टॉप लॉस यहाँ पे है स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टोटल जो लॉस है उसको आपका जो स्टॉप लॉस जितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है उसको देखिए आप डिवाइड कर दीजिएगा, जितना आएगा वही आपका पोजिशन साइजिंग होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसको प्लीज़ इसको ब्रेक मत कीजिए, इंट्राडे में आपको फुल्ली डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि ये आधा घंटा एक घंटा का ट्रेड होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा प्लीज़। तो अभी हम चार्ट में अभी हम चलते हैं कैसे charting.com में जाके हम ये ढूंढ सकते हैं। गूगल में जाके charting.com बोल के सर्च कीजिएगा, यहाँ पे क्या ये बहुत हेल्प करता है, मतलब आपको सारे 200 स्टॉक में आपको जाके ढूंढना नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो, यहाँ पे आके एक मार्केट क्लोज होने के बाद, ठीक है, मार्केट क्लोज होने के बाद आपको स्टडी करना है। तो आपको कहाँ पे जाना है, बुलिश फॉर नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे बहुत यहाँ पे ऑलरेडी स्कैन करके रखा ही हुए है, अब आप खुद का भी स्कैन सेट कर सकते हो, लेकिन मैं जो बोलूँगा मैं जो करता हूँ, ये बुलिश फॉर नेक्स्ट है, इसमें जाइए। इसमें जाने के बाद देखिए आपको स्टॉक दे देगा ये,
टोटल 7 स्टॉक है आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना स्टॉक है पूरा स्टॉक भी आप ले लीजिएगा, पूरा स्टॉक आपका जीरोधा में ऐड कर लीजिए, जिसका भी आपका वो अकाउंट है उस अकाउंट में वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, ठीक है। जिसका भी वॉच मतलब ये देखिए, ये जो टोटल 7 शेयर है, कभी 7 रहता है, कभी 5 रहता है, कभी 2 रहता है, जितना भी है आप वहाँ पे वो आपका वो इंट्राडे वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, बाकी का स्टॉक सब हटा दीजिए। ये जो यहाँ पे जो बुलिश फॉर नेक्स्ट डे में जाके जो स्टॉक मिलेगा वही आपको एंट्री करना है, ठीक है। एंट्री करने के बाद क्या करना है, देखिए ग्लेनमार्क कोई भी स्टॉक जाइए आप, मैंने तो बोल दिया कौन सा स्टॉक में है, एंट्री कब करना है ये आप हम बोलेंगे। देखिए एंट्री कब करना है, एक स्टॉक ले लीजिए रिलायंस, तो देखिएगा ये जो यहाँ पे जो बुलिश फॉर नेक्स्ट डे में ये जो स्टॉक आ रहा है ना, ये सबका ही क्लोजिंग अच्छा है, ये जो सबका देखिए ग्लेनमार्क में एग्जांपल की तरह आपको दिखाता हूँ, जो ग्लेनमार्क यहाँ पे मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको, देखिए ग्लेनमार्क शायद यहाँ पे तो होगा, हाँ ये ग्लेनमार्क देखिए ग्लेनमार्क का क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग अच्छा है, वहाँ पे उसी स्टॉक आता है जो जिसका क्लोजिंग अच्छा है। जी 15 मिनट है वहाँ पे डे का, देखिए इस डे का क्लोजिंग देखिए कितना अच्छा है। तो बाय कब करना है यहाँ पे मुझे, देखिए जिसका क्लोजिंग अच्छा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे खुला पूरा देखिए पूरा बायर मार्केट को ऊपर लेके गया, पूरा ऊपर ही क्लोज दे दिया, तो इसी स्टॉक में हम बाय करेंगे। कब बाय करेंगे, जब मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाएगा तब, जब जब मार्केट खुल के इसका जो हाई है 689 ब्रेक करेगा तब हमको बाय करना है, और ऐसे 5 मिनट कैंडल में बाय करना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 मिनट कैंडल जो बनेगा वो 5 मिनट कैंडल में मुझे बाय करना है, ठीक है। यहाँ पे जो 5 मिनट कैंडल बनेगा वहाँ पे बाय करना है, वो 5 मिनट का नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, उनका नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, 5 मिनट का नीचे हमारा एसएल होगा, इसलिए वो जो पहला जो 5 मिनट कैंडल जिस कैंडल ब्रेक करेगा, देखिए जिस कैंडल ब्रेक करेगा उस कैंडल का ही लो हमारा एसएल होगा, जिस कैंडल ब्रेक करता है उस कैंडल का लो हमारा एसएल होगा, ठीक है। और एसएल जितना है अगर 2 रुपये एसएल है तो 1:3 हमारा टारगेट रहेगा, मतलब अगर 2 रुपये एसएल है तो 2:3 मतलब 6 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट आना चाहिए, जितना एसएल रखोगे आप उसका 3 टाइम आपका प्रॉफिट होना चाहिए, उसको 1:3 में अगर नहीं ट्रेड करोगे तो आपका कभी भी प्रॉफिट का मुंह नहीं देखोगे, प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जिस कैंडल ब्रेक करता है, तो मैं एग्जांपल बहुत सारा एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको, 7-8 स्टॉक तो हम दिखा ही सकते हैं आपको, देखिए। तो ये तो समझ में आ गया कैसे स्टॉक कैसे ढूंढना है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो एंट्री कब करना है, देखिए जब भी उसका हाई क्रॉस करे तब हमको एंट्री लेना है, जिस 5 मिनट कैंडल ब्रेक करेगा उसका नीचे हमारा एसएल रहेगा, देखिए थोड़ा नीचे रखिए उसका, अगर मतलब उसका एकदम नीचे नहीं, थोड़ा 50 पैसा 50 पैसा 60 पैसा नीचे रखिएगा, ठीक है। अच्छा अभी देखिए कोई बहुत एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, देखिए जब भी हाईली क्लोज देता है ना मार्केट, मतलब जो स्टॉक हाई क्लोज देता है उसी का वही स्टॉक हम लेंगे, मतलब वहाँ पे जाके उस स्टॉक की हम वहाँ पे भी वो स्टॉक ही शो करेगा, कोई भी ले लीजिए। अच्छा CDSL ले लीजिए, CDSL देखिए बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे, देखिए किस दिन अच्छा क्लोजिंग था, यहाँ पे देखिए इस दिन अच्छा क्लोजिंग था, ये क्या 13 को अच्छा क्लोजिंग दिया था, अगर उस दिन हमारा ये रेडर में आता तो हम क्या करते,
हम यहाँ पे ए मार्क कर लेते, हम यहाँ पे ए मार्क कर लेते, यहाँ पे ए मार्क कर लेते। तो जब भी 1278 क्रॉस करेगा तब भी हमारा एंट्री बन जाता। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 मिनट का कैंडल लगाएंगे, लगिए देखिए 13 को जाएंगे, 13 12 13, देख रहे हो ये 13 का हाई, ये 13 का हाई था। उसके बाद दिन देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे खुला, देखिए मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुल के देखिए एक कैंडल में क्रॉस किया, इस कैंडल में क्रॉस किया। तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस। और देखिए एक कैंडल में अगर ये जो यहाँ पे ब्रेक किया उसके बाद ही आप ट्रेड ले लेते तो देखिए यहाँ पे कितना, ये 1278 में आप बाई किए थे, बाई किए, अब एक ही 5 मिनट कैंडल में देखिए 1319 चला गया, एक ही कैंडल में आपका प्रॉफिट आ गया जब भी हाई क्रॉस करे। ठीक है, एक एग्जांपल है और भी दिखाता हूँ, देखिए आप भी स्टॉक चूज करके मुझे बोल सकते हो जैसे इसमें कहाँ पे मिलेगा, क्यों नहीं मिला। देखिए हर बात नहीं मिलता है, कभी कभी स्टॉप लॉस हो जाता है। तो जिस दिन स्टॉप लॉस हो जाएगा उस दिन मार्केट से फाइट मत कीजिए, स्टॉप लॉस दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी एक बीएससी में देखिए जब भी ऐसा क्लोजिंग देता है तब क्या कैसे प्रॉफिट आपको इंट्राडे में मिल सकता है। देखिए यहाँ पे हम पहले वन डे चार्ट करेंगे, किस दिन अच्छा क्लोजिंग था हम देखेंगे। देखिए इस दिन इसको हम अच्छा क्लोजिंग बोल सकते हैं, कब है ये है 27। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे हम एक हाई के ऊपर एक दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क करके रख दिया। उसके बाद मुझे 5 तारीख को देखना है मुझे एंट्री कब मिलता है, स्टॉप लॉस होता है कि नहीं। देखिए तो 5 तारीख को जाना है मुझे, 7 तारीख, 5 तारीख को जाना है, 9 तारीख, 5 तारीख। देखिए देखिए 5 तारीख, 2 तारीख का हाई है, यहाँ पे 5 तारीख। देखिए जो कैंडल इसका फर्स्ट कैंडल ही हाई को क्रॉस कर दिया तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। देखिए अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके आप जा सकते थे, देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट मिला है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 697 से लेकर 1000 तक, उतना नहीं चाहिए, ठीक है छोड़ दीजिए, आप यहाँ तक तो ले सकते हो, यहाँ तक तो ले सकते हो, यहाँ से एंट्री करके अगर यहाँ तक भी ले लेते हो तब भी 990 का प्रॉफिट हो जाता। तो इंट्राडे में ये कम है क्या? तो इसीलिए देखिए ये जो यहाँ पे जो बुलिश फॉर नेक्स्ट डे में जो स्टॉक इसीलिए मैं देता हूँ क्योंकि ये जो स्टॉक है ये स्टॉक सबका ही क्लोजिंग अच्छा है, सब स्टॉक का, लेकिन मुझे कौन सा स्टॉक लेना है, 400 के ऊपर लेना है और लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक में हम एंट्री करेंगे, उससे स्मॉल कैप स्टॉक में हम एंट्री नहीं करेंगे। और जिसका प्राइस 400 के कम है उसमें भी हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, हिंडल को में हम इंट्राडे करने के लिए अच्छा स्टॉक नहीं है क्योंकि ये स्टॉक मूवमेंट नहीं होता है। देखिए ये एक्सपीरियंस आपका भी हो जाएगा जब आप ट्रेड करोगे ना, रेगुलर ट्रेड करोगे तब आपका रेगुलर ट्रेड आप तभी कर पाओगे अगर आप स्टॉप लॉस यूज करोगे। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं यूज करोगे तो आपका रेगुलर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं यूज करोगे तो आपका बड़ा बड़ा लॉस हो जाएगा, अकाउंट फंका हो जाएगा, अकाउंट खाली हो जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर से आप ट्रेड लेने के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप स्टॉप लॉस यूज करते हो, स्ट्रिक्टली एसएल यूज करते हो तो आपका कैपिटल आसानी से ख़त्म नहीं होगा। अब अगर 10,000 से ट्रेड करना चालू किए हो ना, अगर आप एवरी ट्रेड में ऐसे लगा के यूज़ करते हो आप ऐसा ख़त्म ही नहीं कर सकते हो, ये मेरा दावा है। आप करके देखिएगा, आप 10,000 से स्टार्ट कीजिए और हर ट्रेड में आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, आपका 10,000 कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन आप वो कर नहीं पाओगे।
लेकिन वही कहना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में रहना है, यहाँ पे कुछ करना है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। अगर विदाउट स्टॉप लॉस आप कभी भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो और भी कुछ एग्जाम्पल हमको आपको दिखाते हैं। देखिए, जिस दिन भी हाई में क्लोज दिया, जिस दिन भी, देखिए यहाँ पे इस दिन देखिए, एक इसका तारीख क्या है, ये है 13 को, देखिए 13 को क्लोजिंग अच्छा है, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे 13 का क्लोजिंग। बहुत सिंपल है, देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, स्टॉप लॉस होता है, लेकिन स्टॉप लॉस जब हो गया, आप देखिए जब भी ट्रेड में एंट्री कीजिए विदाउट स्टॉप लॉस आप एंट्री मत कीजिए, ये तो मेरा पहला रूल है, ठीक है। और पोजिशन साइजिंग जो है ना, ये बहुत बढ़िया है, ये कोई ये जो है ना, यही आपका की है सक्सेस का। अगर ये आप ठीक तरह से कर पाओ ना, तो आपका मतलब हो गया काम। देखिए इतना इजी नहीं है, आप कहाँ पे न्यूज़ देख रहे हो, क्यों देख, कुछ देख लिया, बोल रहे कि ये शेयर बाई कर लीजिए, ये इतना तक जा सकता है, आपके पास 10,000 है, आप क्या कर लो, पूरा कैपिटल लगा के जितना आ रहा है पूरा ले लिया। ऐसा करने से कभी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। पूरा डिसिप्लिन से पोजीशन साइजिंग कैसे डिफाइन करना है, मैंने ये बोल दिए है। ये बहुत सिंपल एक प्रोसेस है, ऐसे आप कितना क्वांटिटी आप बाई कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये 13 को मतलब 14 को मुझे देखना है, मुझे ट्रेड मिला है या स्टॉप लॉस हुआ है। देखिए स्टॉप लॉस होता है, जिस दिन होगा होगा, क्या करेंगे उसके, वो तो मेरे हाथ किसी के हाथ में नहीं है। 14 को देखिए, देखिए 14 को हमारा स्टॉप लॉस हो गया इस कैंडल में। यहाँ पे देखिए इस कैंडल में एंट्री लिए थे, इस कैंडल में ए कैंडल का हाई क्या, हाँ तो 11:16 में हमारा एंट्री था, तो स्टॉप लॉस देखिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आ गया। तो इतना बड़ा अगर स्टॉप लॉस आ जाता है तो आपका पोजीशन साइज भी कम हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर जिसमें देखता हूँ ना, मैं वहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेता हूँ। आप भी मत लीजिए, देखिए एक स्टॉप लॉस कितना बड़ा, देखिए यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप एफोर्ड कर पाओगे क्या, इतना बड़ा स्टॉप लॉस। ये देखिए यहाँ पे 11:16 स्टॉप लॉस आता है आपका, 11:16 स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे 11:16 और 11:05, मतलब 20-22 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं, आप मत लीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं लेता। अगर यहाँ पे छोटा कैंडल कोई ब्रेक करता है तब हम ले लेते, अगर ले भी लेते हो तो ठीक है। देखिए यहाँ तक तो गया था, लेकिन आपका तो 10-20 रुपया आपका स्टॉप लॉस है आपका। अगर आप 10 रुपये लेके निकल जाओगे, तो आप ऐसे करने से आप नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ही लेना होगा, इसके यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो जब बड़ा स्टॉप लॉस होता है ना, तो पोजीशन साइजिंग आपका छोटा हो जाएगा। देखिए यही, अगर आपका यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, अगर आपको पता है आपका जो 10,000 है पूरा ले लगा दिया, तो वहाँ पे आपका लॉस भी बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, मतलब आपका अगर पोजीशन साइजिंग के हिसाब से अगर पोजीशन क्वांटिटी आप डिसाइड करोगे, तो आपका पोजीशन साइजिंग कम हो जाएगा, क्योंकि आपका एसएल ज़्यादा है, तो आपका लॉस भी कम होगा, लॉस भी आपका कंट्रोल में रहेगा, समझ लो। इसीलिए पोजीशन साइजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग कुछ होमवर्क कीजिए, आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद जाके 10-15 स्टॉक में जाके देखिए, जिस दिन वो स्टॉक हाई में क्लोज दिया था, वो स्टॉक स्मॉल स्मॉल कैप नहीं, मिड कैप और लार्ज कैप का स्टॉक देखिएगा, 20 स्टॉक देखिए, जिस स्टॉक हाई प्रीवियस डे हाई क्लोज दिया था, उसके बाद इंट्राडे में कितना प्रॉफिट मिला है आपको, ये आप खुद ट्राई करके देखिए। देखिए खुद अगर नहीं करोगे ना, तो मतलब हाँ, अगर आप जितना सारा वीडियो देखोगे ना, वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत मैंने इंट्राडे का आसानी से समझने की कोशिश की है, सिर्फ ये पोजीशन साइजिंग में ध्यान में रखिएगा, और स्टॉक ढूंढने का आसान तरीका मैंने बताया आपको,
चार्टिंग डॉट कॉम में जाके बुलिश फॉर नेक्स्ट में जाइएगा, वहाँ पे जितना सारा स्टॉक होगा सब स्टॉक आप वॉच लिस्ट में डाल लीजिएगा। डाल देने के बाद क्या करना है, ये सब स्टॉक का जो हाई है वो आप मार्क करके रख दीजिए। जो हाई देखिए ग्लेनमार्क, यहाँ पे देखिए ग्लेनमार्क है, तो हम क्या करेंगे ग्लेनमार्क के इसका जो हाई है मैं हाई को यहाँ पे मार्क करके रखेंगे। कल अगर ये ब्रेक करता है तब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। फाइव मिनट का कैंडल में हम ट्रेड लेंगे। जब 5 मिनट कैंडल ब्रेक करेगा, जब 5 मिनट कैंडल वहाँ वो हाई को ब्रेक करेगा, ट्रेड एंट्री करेंगे, वो 5 मिनट कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है, ऐसे करके होगा। तो थैंक यू, आप ट्राई करके देखिए, इसका रेशियो बहुत अच्छा रहता है, आपका प्रॉफिट भी आता है, लेकिन आपको डिसिप्लिन और पोजिशन साइजिंग ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।